एवरीवन, मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूँ भाटी फिटनेस ज्ञानी में। आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंट है। आज हम किसी भी बॉडी पोस्चर या किसी भी एक्सरसाइज के बारे में बात नहीं करने वाले। आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप लोगों के बीच में नहीं बोल पाते या फिर लोगों के बीच में जाने से पहले आपको घबराहट होती है या आपके अंदर कोई ना कोई डर बना रहता है कि मैं अगर पब्लिक में कुछ बोलूँ तो ऐसा ना हो कि मेरी बात गलत हो जाए या फिर मैं कुछ गलत ना बोल दूं। अगर आपके अंदर भी ऐसा डर है या ऐसी घबराहट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से वो सारा डर बाहर निकल जाएगा। हमारा जो थॉट प्रोसीजर है वो उसमें दो थॉट प्रोसीजर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। दोनों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले अपने उन टॉपिक को एक कॉपी या पेन लेकर आपको लिख कर रख लेना है, जो भी आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स है और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स है। हम हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव जो है उसे हम साइड में रख देते हैं, मगर जो नेगेटिव थॉट्स है उसे हम पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसे वो कैच कर लेता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके साथ भी ऐसा अगर आपको डर लगता है या किसी से बात कर जिस समय घबराहट होती है या एकदम से आपको क्लास में खड़ा कर लिया जाता है या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर आपको कुछ बोलना हो तो उससे पहले आपको स्वेटिंग होने लग जाती है या फिर आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहली चीज, आज मैं दो या तीन टॉपिक बताने वाला हूँ जिन टॉपिक को आपको अपने ऊपर क्लियर कर लेना है, अपने आप पे एक बार रिसर्च कर लेना है, आपको देखना है क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। सबसे पहला जो है वो है हमारे अंदर एक डर किस चीज का होता है। सबसे पहले ये होना चाहिए कि बी फर्स्ट, मतलब हमेशा हमें जहां पर भी हम खड़े हैं, बैठे हैं, उठे हैं या जहां पर भी हमें मौका मिलता है वहां पर हमें बिना सोचे समझे जो हमारे माइंड में हमें वो बोलना ही बोलना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बोलना स्टार्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलना बिल्कुल करेक्ट होता है, जो भी हम बोलना चाहते हैं वो करेक्ट होता है, बट हम उसे बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक डर है। सेकंड, सबसे पहली चीज कि आपको ग्रुप कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि घर में हम नेचुरली जो चीजें हैं, लोग हैं, जितने भी हमारे साथ में लोग रहते हैं, हम उनके बीच जो भी चीजें होती है विदाउट हेजिटेशन हम उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं या फिर हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर वही बातें हमें क्लास में या फिर किसी भी स्टेज पर जाके बोलनी हो तो हम उसके बारे में 10 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। उस कॉन्फिडेंस जो लो हो गया है आपका कॉन्फिडेंस, उसे बढ़ाने के लिए आपको एक ग्रुप के अंदर आपको बातें करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बातें करोगे आप तो आपके अंदर से ये डर निकल जाएगा। और आपको अपने ऊपर नहीं ध्यान देना। सबसे पहली चीज, जब हम बोलते हैं तो हम देखते हैं हम अपने आप अपनी गलतियों को पकड़ने लग जाते हैं। इसकी वजह से हम जो अपनी जो हमारी जो फील करते हैं वो सारी चीजों को हम सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। देखा होगा आपने, फॉर एग्जाम्पल जब हम नए सूट लेके आते हैं, नए क्लोथ लेके आते हैं, उन्हें वेयर करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे जैसे वो ओल्ड हो जाते हैं उन्हें पहनने के बाद भी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। सेम ऐसे ही हमारे साथ है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप स्टडी देखा होगा आपने, हम ग्रुप स्टडी करते हैं उस टाइम पर हमारी जो स्टडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, हम किसी भी चीज को आसानी से याद कर लेते हैं। बट अब बात आती है कि आपके अंदर का जो डर है वो निकालना कैसे, उस डर को हम कैसे निकालें। आपने देखा होगा कि कुछ तो कहेंगे लोग, हमेशा हमने सुना है कि कुछ तो कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। अगर हम इस थॉट प्रोसीजर के साथ काम करेंगे तो आपके अंदर से ये डर बाहर निकल जाएगा। कोई भी करेक्ट नहीं होता 100%, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, बट आपको अपने देखना है कि आप जो सोचते हैं क्या वो करेक्ट है या नहीं है। आपको एक कॉपी और पेन लेना है, उसके अंदर नोट कर लेना है आपके अपने नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स को। दोनों थॉट्स को करने के बाद आपको रीड करना है कि दोनों के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से मेरे अंदर ये हेजिटेशन आ रही है। जिस दिन आपने ये स्टार्ट कर दिया उस दिन से आपके अंदर से वो घबराहट, वो डर निकल जाएगा। थर्ड, हम बात कर लेते हैं कि लोगों के बीच में जाएं कैसे, लोगों के बीच में प्रेजेंट क्या करें। सब कुछ आते हुए लोगों के बीच में मैं बोल नहीं पाता हूं, या मेरे अंदर ये हेजिटेशन है कि कहीं वो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं या जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं कहीं वो रॉन्ग ना हो। गलत और सही को आपको नहीं जज करना, आपको जो भी तैयारी कर रहे हो आप उस तैयारी को करो और उसे प्रेजेंट करने की सोचो। और अपनी कॉन्फिडेंस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने गोल को देखना होगा। जिस एम के साथ आप काम करने जा रहे हो, जो तुम्हारा एम है
उसके साथ में आपको उस गोल को भी एक जगह पर लिख लेना है और सब कुछ लिखना है, जो भी आप सोचते हैं, जो आपका थॉट प्रोसीजर है, सब कुछ लिखकर एक जगह रख लेना है और उसे कॉन्फिडेंस में रखना है अपने। मतलब आपको जो भी चीज सोचते हैं, जो भी चीज करना चाहते हैं, वो आपके माइंड में 24 आवर्स हमेशा के लिए होनी चाहिए। जब भी आप जाएं अंदर बाहर घर या कहीं पर भी जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में और मैं इसे करके रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस कोई भी टीचर नहीं ला सकता, कोई भी मदर फादर या कोई भी आपके जो भी नियर बाय लोग रहते हैं वो इस कॉन्फिडेंस को नहीं ला सकते। इस कॉन्फिडेंस को लाने वाले आप हो। तो आप ये छोटी छोटी सी एक्टिविटी घर पर रह के करें, लोगों के बीच में जाएं, ग्रुप कम्युनिकेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करें। आपने देखा होगा कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बट कई बार अगर किसी ने बोल दिया कि आपको इस टॉपिक के ऊपर 4 वर्ड बोलने हैं तो आप नहीं बोल सकते। तो बोलने ना बोलने का एक अलग रीजन है, बट आपके अंदर की जो हेजिटेशन है उसे निकालना बहुत जरूरी है, जिसको निकालना आपको है। बट आपको थोड़ा सा इन सारी चीजों पर काम करना है और हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि बी फर्स्ट, कि हमेशा आपको अपनी सोच से आगे चलना है और सबसे पहले आपको बोलना है। तो एक छोटी छोटी सी एक्टिविटी घर पर रहकर आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर होगा। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ चीजें लेकर आऊंगा जो आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।